पिछले अगर हम तीन पार्लियामेंट्री चुनाव की बात करें, लोकसभा के चुनाव की बात करें, तो जम्मू रीजन में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। 14 का पार्लियामेंट्री चुनाव हो, 19 का हो, 24 का हो, 1996 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें, 2002 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें, 14 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें और 24 के विधानसभा चुनाव में 29 सीटें। यानी बीजेपी की जो सीट शेयरिंग है ना असेंबली में, उसमें कमाल का राइज हमें देखने को मिला है। बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना जी इस बात को कह चुके हैं कि बीजेपी की इस बार 29 विधायक हैं असेंबली में, जहां पे सरकार अच्छा काम करेगी उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर सरकार ने कुछ गलत कदम उठाया, अगर सरकार ने कुछ टेढ़ा कदम उठाया, तो सरकार को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के 29 विधायक इस बार असेंबली में होंगे और ऑपोजिशन काफी स्ट्रांग हमें देखने को मिलेगी इस बार। हाय एवरीबॉडी, दिस इज गरम महाजन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स से जुड़े एक बड़े ही इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ राइज ऑफ बीजेपी इन जम्मू कश्मीर। यानी बीजेपी जम्मू कश्मीर में किस तरह से राइज हुई है। इस टॉपिक से जुड़े हम कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें बीजेपी का रोल क्या था जम्मू कश्मीर में अर्ली फेजेस में। अर्ली फेजेस इन द सेंस कि 1947 से लेकर 2000 तक बीजेपी का क्या रोल रहा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम बात करेंगे बीजेपी की विनिंग मूवमेंट्स जो जम्मू कश्मीर में उनको मिली। उसके बाद हम बात करेंगे 2024 के विधानसभा चुनाव की, 2014, 19, 24 के पार्लियामेंट्री चुनाव की, कि किस तरह से बीजेपी राइज हुई है जम्मू कश्मीर में। और लास्ट में हम बात करेंगे रीजंस कि क्यों बीजेपी की परफॉर्मेंस साल दर साल, चुनाव दर चुनाव जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है। फिर चाहे हम 14 का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का चुनाव उठाएं, 14 का पार्लियामेंट्री चुनाव उठाएं, या 24 का पार्लियामेंट्री चुनाव या 24 का असेंबली चुनाव ही क्यों ना उठाएं, इनसे बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है ना, वो साल दर साल, चुनाव दर चुनाव बढ़ती जा रही है। तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या लोकल लेवल पे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है कि बीजेपी का वोट परसेंट सबसे ज्यादा है, या नेशनल लेवल पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसके कारण जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट्स पड़े हैं 2024 में। तो अगर आप भी इस टॉपिक को डीपली समझना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस इश्यू। चैप्टर 1 अर्ली फेजेस। दोस्तों बीजेपी का जो जम्मू कश्मीर के साथ कनेक्शन है वो शुरू होता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ, जिसको आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, उसके फाउंडर थे। उनका जम्मू कश्मीर के प्रति एक अलग ही लगाव था। 1953 में वो जम्मू कश्मीर में आते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अलग विधान है, अलग संविधान है, अलग राजा है, उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। उसके अगेंस्ट वो आवाज उठाते हैं, लेकिन बिना परमिशन होने के कारण उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और कस्टडी के दौरान ही उनका निधन हो जाता है, जिसके कारण बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में, उनके दिल में काफी रोष प्रकट था कि किस तरह से कश्मीर में जाके उनका निधन हो गया। और वहीं से मुखर्जी की डेथ के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी, वो ये थी कि जम्मू कश्मीर में शांति, स्थिरता और विकास लाना है। अगर हम 1990 का दशक उठाएं तो जम्मू एंड कश्मीर उस समय जल रहा था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में टेररिज्म पीक पे था, आतंकवाद पीक पे था, उग्रवाद पीक पे था, उस समय अलगाववाद पीक पे था, सेपरेटिस्ट फीलिंग्स को अराइज करने वाले लोग उस समय शासन करते थे हमारे जम्मू कश्मीर में। तब यंग नरेंद्र मोदी जी लाल चौक में आते हैं, तिरंगा लहराते हैं, जिसके कारण बीजेपी का एक और स्ट्रांग होल्ड मेंटेन हो जाता है जम्मू कश्मीर में। अगर हम अर्ली फेजेस की बात करें तो 1990 के दशक में जब जम्मू कश्मीर जल रहा था, आतंकवाद बढ़ रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कश्मीर इशू को सेंट्रल इशू बनाने की मांग रखते हैं, क्योंकि
कश्मीर में जो हो रहा था उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पूरे देश में बढ़ रहा था, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी डिमांड करते हैं कि कश्मीर इश्यू को सेंटर का इश्यू बनाया जाए और सेंट्रल लेवल पे इस मुद्दे को हल किया जाए। दोस्तों ये तो होगी अर्ली फेजेस की बात, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी की विनिंग मूवमेंट्स के बारे में। चैप्टर विनिंग मूवमेंट्स ऑफ बीजेपी इन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों अगर हम बात करें विनिंग मूवमेंट्स की तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1987 का चुनाव। 1987 के इलेक्शन में बीजेपी को जम्मू रीजन में सीट्स भले ही ना मिली हो, 2-3 सीट्स ही मिली थी, लेकिन जम्मू रीजन की जो हिंदू पॉपुलेशन थी उन्होंने बीजेपी को वोट देना स्टार्ट कर दिया, यानी बीजेपी का वोट शेयर वहां से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों फिर समय आया 1996 का, जब जम्मू एंड कश्मीर में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव करवाए गए। यहां पे बीजेपी ने जम्मू रीजन में कमाल का तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसा प्रदर्शन किया जिसके कारण उन्हें 6 सीटें जीतने को मिली। और यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं और हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन के वोट परसेंटेज अब बीजेपी को मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। 1999 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए वहां पे भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन किया, काफी वोट परसेंटेज अब बीजेपी को मिली। उसके बाद 2002 में जो विधानसभा के चुनाव हुए वहां पे बीजेपी ने 5 सीटें सिक्योर की और ये 5 सीटें भी उनको जम्मू रीजन में ही मिली। फिर समय आया 2014 का, जब बीजेपी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनके सामने आई। तो फर्स्ट बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी वहां पे रही पीडीपी जिसको 28 सीटें मिली, लेकिन दूसरे नंबर पे आई बीजेपी जिसको 25 सीटें मिली। और पीडीपी और बीजेपी ने मिलके एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाई और बीजेपी को पहली बार चांस मिला जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में डायरेक्ट शेयर प्रोवाइड करवाने का। दोस्तों अगर हम 2014 का पार्लियामेंट्री चुनाव देखें, लोकसभा का चुनाव देखें, तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से 3 सीटों पे जीत दर्ज की। 19 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 3 सीटों पे बीजेपी ने सीट दर्ज की। 24 के पार्लियामेंट्री लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 2 सीटों पे जीत दर्ज की। अभी 24 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहां पे जम्मू रीजन में बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया, कमल का फूल खिलाया जम्मू रीजन में और 29 सीटें विधानसभा के चुनाव में भी जीती और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज वोट शेयर जो है वो बीजेपी को मिला 2024 के विधानसभा चुनाव में। तो ये थी बीजेपी की कुछ विनिंग मूवमेंट्स जो उनको जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव जो पूरे देश में होते हैं वो वहां पे मिली है। अब बात करते हैं कि बीजेपी किस तरह से राइज हुई है और इसको हम समझेंगे 24 के विधानसभा चुनाव के थ्रू। द राइज ऑफ बीजेपी चैप्टर 3। दोस्तों अगर हम बात करें पिछले 3 पार्लियामेंट्री चुनाव की, 14 का हो, 19 का हो और 24 का हो, यहाँ पे बीजेपी ने जम्मू रीजन में कमाल का प्रदर्शन किया है। 14 में कठुआ उधमपुर जो सीट थी वहां पे जीत दर्ज की और जम्मू रियासी सीट जो थी वहां जीत दर्ज की और लद्दाख की जो एक सीट थी वहां पे जीत दर्ज की थी। 19 में भी यही सिलसिला रहा, कठुआ उधमपुर सीट पे जीत दर्ज की, जम्मू रियासी सीट पे दर्ज की जीत और लद्दाख में जीत दर्ज की। 24 के पार्लियामेंट्री चुनाव में एक चीज बदल चुकी थी कि लद्दाख की एक सीट अब जम्मू कश्मीर के साथ नहीं जुड़ती थी, तो वहां पे बीजेपी ने 2 सीटें सिक्योर की, कठुआ उधमपुर सीट और जम्मू रियासी सीट। अगर हम 14 का विधानसभा चुनाव देखें 25 सीटें मिली और 24 के विधानसभा चुनाव में 29 सीटें मिली, यानी सीट्स जो मिलती है ना बीजेपी को वो बढ़ती जा रही है। 2002 में 5 सीटें मिली थी, उसके बाद पहले 1996 में 6 सीटें मिली थी, तो सीट्स की जो शेयरिंग है ना वो बीजेपी की बढ़ती जा रही है असेंबली में। और रविंदर रैना जी ने कहा है कि इस बार बीजेपी के 29 विधायक होंगे विधानसभा में, जहां पे सरकार अच्छा काम करेगी वहां पे उनका सहयोग करेंगे। अगर सरकार ने कहीं ऐसा कदम उठाया जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ हो तो फिर सरकार को काफी भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि 29 विधायकों में अगर हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात करें, राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें, तो ये 29 विधायक बीजेपी के हैं ना, इसमें कुछ ऐसे विधायक हैं जो अकेले दम पे पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं, जिसमें दविंदर रैना जी का नाम शामिल है, श्यामलाल शर्मा जी का नाम शामिल है, सुरजीत सिंह सलाठिया साहब का नाम शामिल है,
चंद्र प्रकाश गंगा जी का नाम शामिल है और राजीव जसरोटिया जी का नाम शामिल है। ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अकेले दम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। अगर हम बात करें देवेंद्र रैना जी की, तो पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही रहे हैं। सुरजीत सिंह सलाठिया जी काफी सीनियर लीडर हैं। श्यामलाल शर्मा जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें गुणगान नहीं गाने पड़ेंगे, उनका बस नाम ही काफी है। इसी तरह से चंद्र प्रकाश गंगा जी और राजीव जसरोटिया जी हैं। तो रविंदर रैना जी क्लियर कर चुके हैं कि अगर सरकार ने अच्छा काम किया तो उनका पूरा सहयोग करेंगे, अगर सरकार ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो हिसाब किताब ये 29 विधायक लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलजी की पावर्स एक लीडर है हमारे लोकसभा में अवैसुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की उमर अब्दुल्ला साहब पे कि उमर अब्दुल्ला अपनी मर्जी से एक पीएम भी नहीं लगा सकते। क्यों? ये सच बात है, क्योंकि सीएम भले ही उमर अब्दुल्ला साहब बने लेकिन जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट गवर्न करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि 80% अगर हम पावर समझे तो वो एलजी के पास गई है और एलजी को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एलजी के पास कौन कौन सी पावर है तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके इसको जरूर से चेक कीजिएगा। अगर हम बात करें रीजंस की कि क्यों बीजेपी राइज हुई है, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव बीजेपी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती गई है, तो यहाँ पे एक चीज आती है चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी का जम्मू कश्मीर में राइज होना, इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का बड़ा हाथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है, जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए किया है, वो मामूली बात नहीं है। इससे पहले भी जो हमारे देश में प्रधानमंत्री आए, उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस तरह के डेवलपमेंट, इस तरह की शांति नहीं स्थापित की है। आज पाकिस्तान के साथ बिल्कुल शेलिंग बंद हुई है, पत्थरबाजी का एक केस भी नहीं आया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज पे रोक लगी है, जिस तरह जम्मू कश्मीर को हम इस चीज के लिए जानते थे कि यहाँ पे टॉप लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसी जम्मू में आज आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है। तो मोदी जी ने जो काम किए हैं उसकी वजह से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी की प्रचंड जीत होती आ रही है, चाहे वो पार्लियामेंट्री चुनाव हो, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, और खासकर जम्मू रीजन में। दूसरी आती है कि लोकल लेवल पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, ये जी जान से मेहनत कर रहे हैं, लोकल लेवल पे लोगों को ये बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या किया है, और लोकल लेवल पे जब कार्यकर्ता अच्छा वर्क करेंगे ना तो उसका रिजल्ट हमें चुनाव वाले दिन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से बीजेपी का वोट परसेंटेज, वोट शेयर बढ़ा है जम्मू कश्मीर में। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन का बटन क्लिक करना, ताकि ऐसी ही पॉलिटिकल अपडेट्स जम्मू कश्मीर से जुड़े आपको मिलते रहे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म कीजिए। yeah!